एक बहुत अच्छी नस्ल का कुत्ता था, उसके दो पिल्ले हुए। एक पिल्ला चला गया पुलिस विभाग में, दूसरा पिल्ला चला गया एक परिवार में पलने के लिए। दोनों का जीवन धीरे धीरे कट रहा था। पुलिस विभाग वाला जो कुत्ता था, पिल्ला था, उसको सिर्फ ट्रेनिंग दी गई चोरों को पकड़ने के लिए, सूंघने के लिए कड़ी मेहनत कराई गई। और दूसरा पिल्ला जो था अपने मालिक की सुरक्षा तो करता था, अब लेकिन परिवार में भी हर सदस्य घुल मिल गया, उसने प्यार मोहब्बत बहुत सीख लिया। दोनों का जीवन मड़े मजे से कट रहा था। वो पिल्ला जो पुलिस में था, उसको सिर्फ काम से मतलब होता था, उसको किसी प्यार मोहब्बत या व्यवहार से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन दूसरा कुत्ता जो पल रहा था, वो बड़े ठाठ से पल रहा था, प्यार मोहब्बत और व्यवहार तो था ही, जीवन में मालिकों की सुरक्षा भी होती रहती थी। 10 साल के बाद दोनों के जीवन में एक घटना घटी। पुलिस वाले विभाग के कुत्ते को रिटायरमेंट दे दिया गया कि अब हमारे ये किसी काम का नहीं है, और उसकी बोली का आह्वान किया गया। उसको कोई ख़रीदने को तैयार नहीं हो रहा था। एक व्यक्ति ने दया दिखा करके 500,000 रुपये में उसको ख़रीद लिया। और दूसरा कुत्ता जो घर में पल रहा था, वो एक दिन अचानक गुम हो जाता है। मालिक बहुत परेशान होता, घर वाले सारे उदास हो जाते। एक पेपर में न्यूज़ दिलाई दी जाती है कि इस हमारे कुत्ते को जो खोज के लाएगा, उसको 1,00,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, 10 साल के बाद एक पिल्ले की कीमत आई 1,000 रुपये और दूसरे की कीमत आई 1,00,000 रुपये। कारण ये है कि उसने सिर्फ काम 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 किया, उसने कोई व्यवहार नहीं पाला, उससे किसी का भी लगाव नहीं हुआ, और उसकी कीमत कौड़ियों में हो गई। जो पिल्ला अपने मालिक का हर प्रकार से ख्याल करा था, हर प्रकार के रंग में उससे रंग जाता था, उसकी कीमत हो गई 1,00,000। ऐसा ही हमारे साथ इंसानों के साथ होता है। हम भरी जवानी में या हमारा जब बिजनेस होता है, बड़े पदों पे होते हैं, बड़ी जॉब पे होते हैं, बड़ा हमारे पास अहंकार रहता है, सिर्फ काम काम काम। हम आजू बाजू कौन है, समाज में क्या है, उस व्यवहार को नहीं देखते हैं, परिवार को नहीं देते हैं, रिश्ते नहीं निभा पाते हैं। हमारी भी हालत अब रिटायरमेंट के बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे, उस पुलिस के कुत्ते जैसी होनी है जिसकी कीमत कौड़ियों में थी। लेकिन आप अगर पैसा भी कमा रहे हैं, व्यापार में हैं, समाज का भी ध्यान रख रहे हैं, अच्छे पदों पे हैं, समाज सेवा से जुड़ रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति में भी लगे हुए हैं, तो आपकी कीमत भी 1,00,000 या ये कही अनगिनत आपकी अनमोल कीमत हो जाएगी। तो जीवन आपके हाथ में, कैसा जीना है, आप अपने जीवन को खुद अनमोल बना सकते हैं या आप अपने